हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्या, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? दोस्तों, जैसे कि आप पेपर एट पर बात कर रहे हैं, पेपर एट पर हमने लास्ट वीडियो में बात की थी एडीएसडी की। एडीएसडी के बारे में जाना है, एडीएसडी क्या है दोस्तों? आज हम बात करेंगे एडीएसडी के लक्षण, यानी कि सिम्टम्स ऑफ एडीएसडी। तो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों, हाइपर एक्टिविटी यानी कि अति क्रियाशीलता, हमने देखा एडीएसडी बच्चों में बहुत ही ज्यादा अति क्रियाशीलता या चंचलता या अति लगातार होने वाली क्रियाएं हमें देखने को मिलती है। इम्पल्सिवनेस यानी कि आवेग, अस्थिरता जैसी हमें कठिनाइयां देखने को मिलती है दोस्तों। तो इनकी क्या क्या लक्षण है, किस कार से उनकी क्रियाकलाप रहते हैं जो हम देखकर उनको कह सकेंगे कि ये बच्चे एडीएसडी हैं, तो उनके लक्षण के बारे में जानते हैं दोस्तों। जैसा कि सबसे पहले क्या है, किसी एक स्थान पर नहीं बैठना, यानी कि एडीएसडी बच्चे हमने देखा कि इन बच्चों में अति चंचलता, अति क्रियाशीलता या अस्थिरता, यानी कि यहां पर अगर हम कहें तो आ जाएगा अस्थिरता, अस्थिरता। क्योंकि बच्चे क्या है, एडीएसडी वाले बच्चे जो हैं उनके अंदर क्या है, अस्थिरता रहती है, यानी कि किसी एक स्थान पर वे बैठना पसंद नहीं करते हैं। किसी एक स्थान पर अगर हम कहेंगे कि थोड़ी देर के लिए किसी एक्टिविटी अगर हम करा रहे हैं क्लास में, तो वे पूरी एक्टिविटी नहीं करेंगे, हमेशा अपना ध्यान क्या है, दूसरी ओर लगाने की कोशिश करेंगे। हम कहेंगे टेबल या मेज के बाद एक बार कुर्सी पर बैठ कर, हम कह सकते हैं चेयर पर बैठ कर बच्चा थोड़ी देर कुछ करे, कुछ सीखे, कुछ सुने, कुछ समझे, लेकिन अस्थिरता है उस बच्चे में, तो वह क्या उठकर भाग जाएगा, कभी कमरे में भाग जाएगा, कभी सीढ़ियों पर चला जाएगा, या कभी छत पर जाएगा, या कभी दरवाजे से बाहर जाएगा। तो इन बच्चों में हमें अस्थिरता देखने को मिलती है। तो कहा गया है किसी एक स्थान पर नहीं बैठना, यानी कि इन बच्चों में एक क्रिया या लक्षण हमें देखने को मिलेगा कि ये बच्चे किसी एक स्थान पर बैठना पसंद नहीं करते हैं। दूसरा है दोस्तों, किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित ना करना। जैसे कि दोस्तों, इनकी अटेंशन डेफिसिट होती है, ये ध्यान नहीं देते हैं। हम कह सकते हैं किसी अटेंशन बहुत ज्यादा वीक, यानी कि ये क्या करते हैं, दूसरों की अटेंशन तो पाना चाहते हैं, यानी कि कुछ ऐसा कार्य करेंगे, कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे जो क्या है, दूसरे की अटेंशन ये पाएंगे, लेकिन दूसरे की तरफ ही अटेंशन नहीं देते हैं, अटेंशन डेफिसिट होता है इनका। तब कहते हैं किसी कार्य पर ध्यान से नहीं देना या ध्यान से नहीं करना, ध्यान केंद्रित नहीं करना, किसी चीज को कंसंट्रेट के साथ ये कार्य नहीं करते हैं। हम कह सकते हैं कार्य करने में कठिनाई महसूस करते हैं या किसी कार्य पर कंसंट्रेट करने में इन्हें समस्या होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बता रहे हैं लगातार बात करना एवं बिना वजह बोलना। इन बच्चों के अंदर हमें देखने को मिलता है एडीएसडी बच्चों में कि लगातार बात करना, यानी कि ये किसी व्यक्ति से या कोई भी बच्चे से, दोस्त से, परिवार में कोई भी सदस्य है, लगातार किसी ना किसी बात पर ये वार्तालाप करते रहते हैं, बार बार दोहराते रहते हैं, रेपिटेटिव जैसा बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। और कह रही है बिना वजह बोलना, कभी कभी क्या होता है, हमें ये बच्चे बिना वजह बोलते हुए दिखाई देते हैं, जैसे अकेले में बड़बड़ाना, कभी चिल्लाना, कभी बिना वजह हंसना, बिना वजह रोना, या बिना वजह किसी कोई बात कह देना। बात चल रही है मूवी की तो वो कहेंगे कि वो ऐसा हुआ, या किसी ने कहा, या बहुत पहले की बात कही हुई या सुनी बात को दोबारा से बात प्रस्तुत करना, तो इस तरह बिना वजह बोलते हुए कभी नजर आते हैं। तो ये हमें लक्षण देखने को मिलते हैं कि बच्चा कभी लगातार बात करता रहेगा एवं बिना वजह भी बोलेगा। तो ये लक्षण है एडीएसडी के बच्चे के। नेक्स्ट है दोस्तों, खतरे का अंदाजा नहीं लगा पाना। दोस्तों, जैसे कि ये जो बच्चे होते हैं, ये डेंजर जोन को नहीं समझते हैं कि क्या डेंजर जोन है और हमें कब बचना है। जैसे कि लाइट है, अगर ये स्विच ऑन कर रहे हैं, स्विच ऑफ कर रहे हैं, अगर कोई वायर खुला हुआ है, इनको डर नहीं है, इनको पता नहीं है अगर मैं वायर पर टच कर दूंगा तो मेरे को करंट लग जाएगा, या फिर ये गैस यूज कर रहे हैं तो लाइटर लगाने पर, या फिर क्या होगा, गैस खुला छोड़ देने पर क्या होगा, या माचिस का यूज करने पर, कागज पर रखने पर क्या होगा। इनको क्या है, डर या खतरा है, बचना नहीं आता और खतरे का परिणाम भी नहीं समझ पाते हैं ये बच्चे। फिर है दोस्तों, स्वयं में हंसना, स्वयं में रोना। जैसे कि दोस्तों, कभी कभी हमें इनकी जो क्रियाकलाप है, एक्टिविटी है, बहुत ही ज्यादा विचलित होती हुई नजर आती है, बहुत ही ज्यादा अलग तरीके की होती है। कभी कभी बच्चा शांत बैठा है, बिल्कुल शांत बैठा है और कोई नहीं है उसके पास, फिर भी हमें कभी कभी बच्चा मुस्कुराता नजर आएगा, बिना वजह हंसता हुआ नजर आएगा, या कभी बिना किसी बात पर बच्चा रोने लगेगा, बहुत तेज तेज चिल्लाने लगेगा। ऐसे सिम्टम्स हमें एडीएसडी बच्चे में देखने को मिलते हैं। फिर है दोस्तों,
लगातार क्रियाकलाप बदलते रहना। एडीएसडी बच्चे के दोस्तों लगातार क्रियाकलाप बदलते रहते हैं, मतलब किसी एक कार्य को, जैसे कहा इन्होंने ध्यान केंद्रित ना करना, ऐसे ही किसी एक कार्य को पूर्ण नहीं करते हैं और एक कार्य को छोड़ने के बाद दूसरा करेंगे। कभी किसी टॉय के साथ खेल रहे हैं, फिर गाड़ी पर चढ़ जाना, गाड़ी पर फिर सीढ़ियों पर चढ़ जाना, यानी कि लगातार उनकी गतिविधियां या क्रियाकलाप हम कह रहे हैं बदलते रहते हैं, समय समय पर उनका मूड चेंज होते रहता है और परिश्रम के साथ बहुत ज्यादा चेंजिंग जैसी एक्टिविटी करते हैं वे। कभी कुछ करेंगे, कभी हंसना, कभी रोना, कभी खिलौने से खेलना या कभी टीवी ऑन करने पर टीवी देखना, मतलब हमेशा उनके गामक जैसी क्रियाएं गतिविधि हमेशा होती रहती है, लगातार होती रहती है। फिर कह रहे हैं दिए गए निर्देशों का पालन ना करना। दोस्तों जैसे कि हम देखते हैं सामान्य व्यक्ति या सामान्य बच्चा किसी भी निर्देश या किसी ऑर्डर को फॉलो करता है, किसी भी निर्देश को ठीक प्रकार सुनता है, समझता है, फिर उस निर्देश का पालन करता है कि मुझसे क्या कहा गया। लेकिन एडीएसडी बच्चा क्या है, किसी का निर्देश का पालन क्या वह सुनना भी पसंद नहीं करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता है कि मुझसे किसी ने कहा कि चाय का कप मेज पर रख दो या कहा कि कोई पेंसिल मुझे दे दो। वह बच्चा अनसुनी करता है और सुनता नहीं है, अटेंशन नहीं देता, तो क्या है एडीएसडी बच्चा निर्देशों का पालन नहीं करता है। इस प्रकार से हमें सिम्टम्स नजर आते हैं बच्चे में। फिर कह रहे हैं दोस्तों लगातार चंचलता एवं अति क्रियाशीलता, जैसे कि लगातार इसमें बोला क्रियाकलाप बदलते रहना, वही हमें देखने को मिलता है बच्चे में लगातार चंचलता, यानी कि बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी, चंचलता, किसी चीज को बहुत जल्दी जल्दी करना, दौड़ना, भागना, तोड़ना, फोड़ना या मारना, बहुत ही ज्यादा अति क्रियाशीलता की, बहुत जल्दी जल्दी किसी कार्य को करना, जल्दी से खाना खाना, जल्दी से भागना या जल्दी से किसी कार्य को करना या किसी चीज को उठाना फेंकना, बहुत जल्दी जल्दी बात करना, बहुत जल्दी जल्दी प्रत्येक क्रियाकलाप को करना, तो बहुत ही ज्यादा क्रियाशीलता या अति चंचलता एडीएसडी वाले बच्चे में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है दोस्तों गामक क्रियाओं में अति लगातार या गति करते रहना है, यानी कि गामक क्रियाओं में, गामक क्रियाओं से मतलब है दोस्तों यहाँ पर शारीरिक क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं हम क्या कहेंगे, और गति कह रहे हैं यहाँ पर अति या लगातार, दोनों का मतलब एक ही है दोस्तों, अति मतलब ज्यादा और लगातार मतलब हमेशा लगातार करते रहना। तो कह रहे हैं गामक क्रियाओं में अति या लगातार गति करते रहना या गति होना क्यों कहा गया है, क्योंकि ये बच्चे क्या है दोस्तों फिजिकली थकते नहीं है, इनमें एक्स्ट्रा एनर्जी तो होती होती है, इसीलिए हमेशा कभी क्या करते रहेंगे, अपने हाथ को हिलाना, अपने पैरों को हिलाना या अपने शरीर को हिलाते रहना या किसी चीज में मारते रहना या अपने आप को दर्द करते रहना, दुख पहुंचाते रहना, मतलब गामक क्रियाओं से मतलब है अपने हाथ पैर लगातार, या कभी कभी क्या है हमें कोई कोई बच्चा देखने को मिलता है कि हमेशा चलता ही रहता है, उसे बैठना पसंद नहीं होता है, या कोई बच्चा अगर किसी चेयर पर बैठा है, किसी स्थान पर बैठा है, वह अपने हाथ पैरों को लगातार हिला रहा है, हिलाते ही रह रहा है, कभी सिर हिलाना, गर्दन हिलाना या पैर हिलाना, तो इस प्रकार से हमें गामक क्रियाएं बच्चों की लगातार गतिशील करते हुए नजर आती है दोस्तों। नेक्स्ट है अपनी बारी का इंतजार ना करना। दोस्तों इन बच्चों में पेशेंस बिल्कुल नहीं होता, या हम कहते हैं पेशेंस नाम की चीज नहीं होती, क्योंकि पेशेंस इनके अंदर नहीं है, धैर्य इनके अंदर नहीं होता है, ये अपनी बारी का इंतजार नहीं करते हैं। अगर इनको किसी चीज का कुछ जरूरत होती है, कोई आवश्यकता होती है, तब क्या ये छीन लेते हैं, पकड़ लेते हैं, चुरा लेते हैं, या फिर क्या है अपनी बारी का इंतजार नहीं करते कि बारी बारी मुझे ये चीज मिलेगी या मुझे अपने टर्न पर ही किसी कार्य को करना है या अपनी टर्न का वेट करना है, तो एडीएसडी बच्चों में यह नहीं होता है। फिर कह रहे हैं दोस्तों भूल जाना या अपनी चीजें खो देना। ये बच्चे दोस्तों जैसे कि हमें पता है अटेंशन डेफिसिट होता है इनका, तो क्या अपनी चीजों को रखकर भूल जाते हैं, इनको याद नहीं रहता कि मैंने वह चीज कहाँ रखी है या ये क्या चीज है, इनको किसी वस्तु का नाम बताया जाएगा और कुछ ही देर में भूल जाएंगे इसका नाम क्या है और इसका यूज क्या है और इसका हमें क्या करना है, कब रखना है, कहाँ रखना है, भूल जाते हैं अपनी चीजें रखकर भूल जाते हैं और बहुत जल्दी अपनी चीजों को खो देते हैं। फिर कह रहे हैं दोस्तों बात नहीं मानना, ध्यान से बात ना सुनना। जैसे कि दोस्तों निर्देशों का पालन नहीं कर पाते हैं ये बच्चे, तो वही कहा गया है भूल जाना या बात नहीं मानना, ध्यान से बात नहीं सुनना। दोस्तों जब हम किसी व्यक्ति की कोई बात ध्यान से नहीं सुनेंगे, तो क्या है हम जब हमने सुनाई नहीं तब हम वो कार्य कैसे कर पाएंगे,
तो क्या कह रहे हैं कि बात नहीं मानना, यानी कि जब हमने वो बात नहीं सुनी तो बात मानना कैसे। तो ये बच्चे क्या है, किसी की बात का टेंशन नहीं देते हैं, किसी के निर्देशों का पालन नहीं कर पाते हैं। फिर कह रहे हैं किसी भी कार्य करने में कठिनाई एवं असमर्थ होना, यानी कि ये बच्चे क्या है दोस्तों, किसी भी कार्य करने में कठिनाई इनको महसूस होती है, चाहे वो हम कह सकते हैं पर्सनल स्किल हो, सोशल स्किल हो, या फिर कोई भी एक्टिविटी हो, सब में क्या है दोस्तों ये कार्य नहीं कर पाते। डेली लिविंग एक्टिविटी भी ये बच्चे बहुत ज्यादा मुश्किल से कर पाते हैं, या जिनको ट्रेन कराया जाता है अगर लगातार ट्रेनिंग ना चले तो वे जल्दी भूल जाते हैं। तो इनको क्या है, शारीरिक क्रियाएं या हम कह सकते हैं सामाजिक कौशल, व्यक्तिगत कौशल, शैक्षणिक कौशल, प्रत्येक कौशल में ये हमें पिछड़े हुए नजर आते हैं दोस्तों। तो क्या इन्हें कार्य करने में असमर्थता होती है और कठिनाई होती है। फिर कह रहे हैं छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना या चिड़चिड़ापन। एडीएसडी बच्चों में दोस्तों हमें दिखता है कि अगर हम उनकी किसी बात को ना माने या उनकी बात ना सुने, वे दूसरे व्यक्ति की या दूसरों की बात नहीं सुनते हैं, दूसरों के निर्देशों का पालन नहीं करते। लेकिन जहां पर हम बात करें एडीएसडी बच्चे की, अगर हम इन बच्चों की बात ना सुने या इनकी बात ना माने तो ये छोटी छोटी बात पर गुस्सा होने लगते हैं, गुस्सा बढ़ता रहता है, बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, कभी कभी तो स्वयं को घातक हो जाते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, और क्या उनका व्यवहार कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है उनके व्यवहार में दोस्तों। ये लक्षण हमें देखने को मिलते हैं एडीएसडी के। अगर आपको इसमें कुछ पूछना है या कुछ डाउट लगा दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।